हाय फ्रेंड्स, मैं शुभ सक्सेना। फ्रेंड्स, मैं बहुत समय से फ्रिट्स चेस पीसीस का एक बोर्ड एनालाइज ढूंढ रहा था जिस पर मैं वीडियोस बना सकूं। और फ्रेंड्स, बहुत समय के बाद ढूंढने से चेस बेस रीडर 12 को डाउनलोड करने के बाद मुझे वो आखिरकार मिल ही गया है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम खेली गई थी एज चेस और कैपेबलेंका के बीच में। और फ्रेंड्स, कैपेबलेंका एक काफ़ी महानतम चेस खिलाड़ी हैं। और फ्रेंड्स, इस गेम में कैपेबलेंका ने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दी थी, वो भी सिर्फ 7th मूव पर। आइए फ्रेंड्स, सीधा इस कमाल की गेम पर चलते हैं। गेम की शुरुआत करी कैपेबलेंका ने e4 के साथ। e5 यहाँ ए चेज ने किया, f4 किंग्स गैम्बिट, तो किंग्स e टेक्स f4 किंग्स गैम्बिट एक्सेप्ट किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्टली वाइट नाइट f3 स्क्वायर पर लेके जाता है, पर यहाँ कैपेबलेंका ने किया था क्वीन f3, तो c6 c3 नाइट f6 d4 d5 e5 नाइट पर अटैक, तो नाइट का e4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये e4 स्क्वायर पर काफ़ी अच्छा स्क्वायर है नाइट के लिए, बिकॉज आप देख ही सकते हैं सेंटर का स्क्वायर नाइट में आपको शुरू में गेन कर चुका है। तो बिशप टेक्स f4 g5 बिशप पर अटैक, तो बिशप e3 h5। और फ्रेंड्स, यहाँ h5 मूव आप देख ही सकते हैं, ये बिशप आ सकता है g4 स्क्वायर पर, क्वीन ट्रैप हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि क्वीन पे जाने के लिए कोई भी स्क्वायर्स बचे नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वीन पीछे जा सकती थी, पर फ्रेंड्स यहाँ पता नहीं क्या हुआ, या तो कैपेबलेंका की कुछ अपनी स्ट्रेटजीज रही होंगी। उन्होंने किया था नाइट d2, बिशप d4 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स e4, बिशप टेक्स f3, नाइट f6 चेक, किंग e7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं, अरे बिशप टेक्स g5 हो सकता है, एक इनडायरेक्ट अटैक जाएगा क्वीन पर, और ये नाइट यहाँ पर क्वीन को लेकर सिंपली नाइट कैप्चर्स बिशप हो सकता है। पर यहाँ कैपेबलेंका ने पहले किया था नाइट टेक्स f3, तो बिशप f6 स्क्वायर पर ये बिशप यहाँ इस पॉन को ना ले सके। नाइट टेक्स g5, बिशप g7 स्क्वायर पर, बिशप d3, बिशप टेक्स f6 सॉरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैपेबलेंका ने अभी ई पॉन से इस बिशप को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ पहले कैसल किया। फ्रेंड्स, अब ये बिशप अगर g1 जैसे किसी g7 स्क्वायर पे जाता है, तो रुक टेक्स f7 चेक होगा, किंग मूव होगा, और फिर उसके बाद किसी बिशप हासिल आएगा। भाई फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ ब्लैक करता है बिशप g7, तो उसके बाद रुक कैप्चर्स, किंग मूव होगा, देन कैप्चर द बिशप। और अगर फ्रेंड्स यहाँ पे करता है बिशप टेक्स e5, तो उसके बाद ये रुक f7 चेक, किंग e8, और फ्रेंड्स वहाँ काफ़ी खतरनाक अटैक रहेगा ब्लैक का, ये बिशप यहाँ आ सकता है। हाँ, ए चेज ने किया था क्वीन g8, रुक टेक्स f6, रुक f8। फ्रेंड्स, कुछ समय के लिए गेम का सारा फोकस इस f7 पॉन पर आ गया है। अब आप देख सकते हैं, रुक f1, नाइट h6, f3 पर काफ़ी खतरनाक अटैक रहेगा। पर यहाँ रुक a2 f1 कैपेबलेंका ने किया था नाइट d8 b4 से, यहाँ पे b4 मूव कैपेबलेंका ने अपने कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से करा, क्योंकि c4 मूव बिशप का अटैक लग सकता था कोई आम प्लेयर होता तो मैं तो यही करता हूँ। क्वीन g7 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स यहाँ पे क्वीन g7 स्क्वायर पर ए चेस की अपनी कैलकुलेशन आएंगी, वैसे उन्हें अपने किंग को मूव पर लेना चाहिए था सेफ स्क्वायर पर h4। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी h4 आगे कुछ नहीं हो सकता, तो किंग e8, तो b5। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर c3 के ऑप्शन, c6 ऑप्शन आपके लिए अनअवेलेबल है, तो
B6 यहाँ ए चेज में क्या कभी शक्ली टू स्क्वायर को शक्ली टू स्क्वायर पाने के वाला देख ही सकते हैं क्या लग रहा है। नाइट E6 तो बिशप F3 स्क्वायर पर नाइट टेक्स G5 बिशप टेक्स G5 किंग H7 क्वीन G1 जैसे किसी स्क्वायर पर कर सकती है पर बिशप टेक्स D5 क्वीन B3 फ्रेंड्स बस इट्स नाउ गेम ओवर फॉर एचेस। तो बिशप C6 चेक के बाद यहाँ एचेस ने रिजाइन कर दिया फ्रेंड्स के रेजिग्नेशन की वजह, क्योंकि अब आप देखें तो ये किंग ही मूव होगा, किंग और मूव होता है डीएड जैसे किसी स्क्वायर पे क्वीन F7 और आप देख ही सकते हो कि यहाँ ये इनडायरेक्ट चेक आएगी बिशप के रुख पर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वीन ब्लैक के हाथों से चली जाएगी और फ्रेंड्स एंड गेम के लिए बिशप पेयर प्लस होगा वाइट और बस यही वजह है रेजिग्नेशन की, क्योंकि दो रुक एंड गेम बिशप पेयर और डबल रुक एंड गेम के खिलाफ डबल रुक एंड गेम कुछ नहीं करने वाला फ्रेंड्स। इसी मूव के बाद यहाँ ए चेज ने रिजाइन कर दिया फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एंड बाय फॉर।